कार्ड योजना का लाभ कैसे मिले इसको लेकर जदयू के कर्मजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा स्थानीय नागरिक प्रचारणी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जदयू के कई कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी संख्या में छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से होने वाले लाभ और इसका फायदा कैसे मिले इसको लेकर आज आरा के नागरिक प्रचारणी सभागार में जदयू के कलमजीवी प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक परिचय एक संवाद नामक आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के कलमजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके अलावा सभागार में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। इंटर करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पैसा या एक योजना बनाए, उस योजना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सात निश्चय का पहला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें माता पिता को किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम में विलंब है, विलंब का कारण है कि बैंक के अधिकारी और नियोजन इकाई लोग अभी नहीं पहुंचे, तो हमारे कौन सर जी क्रेडिट कार्ड और संबंधित विभाग के अधिकारी हमारे बीच मौजूद है। श्री सुशील तिवारी जी हैं, इनका भी स्वागत है। उनके बाद ठीक सके मोहन सर जी हैं जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, इनका भी स्वागत। तनु जी हैं जो नियोजन इकाई से हैं, जो ये भी नियोजन इकाई से हैं, इनका भी कार्यक्रम हम स्वागत करते हैं। एसपी सर हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो ये हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सात विषय उसमें एक पॉइंट है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें बच्चों को आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए 4 लाख तक का लोन दिया जाता है, 4% मात्र इंटरेस्ट, और अगर महिलाएं हैं बच्चियां हैं तो मात्र 1% इंटरेस्ट। दुर्भाग्य से ये लोगों तक बहुत सार्थक तरीके से नहीं पहुंच सकते, तो आज जो हम लोग यहाँ एक परिचय एक संवाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि छात्राओं तक छात्र छात्राओं तक ये चीज़ इसकी जानकारी उन तक पहुँचे और इसका लाभ वो पूर्ण रूप से उठाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ने के लिए मतलब क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं, आपको अगर हाँ उसी चीज़ की जानकारी के बिना बहुत सी दिक्कतें आती हैं, ऑफिसर्स उसको घुमाते हैं, बैंक परेशान करते हैं। इसी सब को देख के माननीय मुख्यमंत्री ने एक स्टूडेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किया है और अब ये सारा लोन उसी फाइनेंस कॉरपोरेशन से दिया जाता है।